हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पर आपको एक जंगल वाली फील आने वाली है, एक जंगल वाली। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल पर बैठ के यहाँ पर एक ये घूमने की जगह, यहाँ पर एक जंगल वाला फील ले सकते हैं। तो फ्रेंड, इस जगह का नाम है भूली भटियारी। फ्रेंड्स, ये पड़ती है आपकी पास में, करोल बाग के पास में पड़ती है। अगर आप वाया मेट्रो आ रहे हैं तो यहाँ पर आप झंडे वाला मेट्रो स्टेशन पर उतर के बाय वॉक 10 मिनट का रास्ता है। हनुमान मंदिर के पीछे जस्ट बैक पड़ती है, जहाँ पर बग्गा लिंग का शोरूम है, उसी लाइन में ये आगे अंदर जाता है। तो चलिए यहाँ की आपको मैं जर्नी दिखाता हूँ। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर साइलेंस बहुत अच्छा है, बहुत ही आपको यहाँ सुकून मिलेगा, बहुत ही काफ़ी अच्छी जगह है। एक बात बता दूँ आपको फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप अगर जब भी आएँ तो सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम आएँ, ताकि ये जगह जो है, मतलब कि शाम होने के बाद यहाँ पर एक महल भी पड़ता है अंदर, जहाँ पर गार्ड्स वगैरह बैठे हैं, पुलिस रहती है। शाम होने के बाद यहाँ से लोग जाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मतलब पुलिस वगैरह जो होती हैं वो यहाँ से लोगों को मतलब जाने के लिए कहती हैं, रोक मना करती हैं अंदर जाने से, कहती हैं वापस जाओ शाम होने के बाद। थोड़ी सी ये जो जगह है, मतलब कि जंगल टाइप की पड़ती है, तो शाम होने के बाद इस जगह में थोड़ा सा मतलब ये है, साइलेंस ज़्यादा है, तो डर सा लगता है। इस वजह से यहाँ से पुलिस वगैरह जो है वो लोगों को यहाँ से हटा देते हैं। सो फ्रेंड, बहुत ही अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह को फील कीजिए, जंगल का फील, साउंड वगैरह यहाँ पर काफ़ी, जो साइलेंस वगैरह है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं काफ़ी अच्छा यहाँ सीन है, यहाँ के जो नेचर है, जो सीन है, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। दोनों साइड पेड़, बीच में रास्ता, तो आप यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं, फुल एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आगे जाके एक जंगल वाली फीलिंग हमें यहाँ पर आने वाली है। तो आगे जाके जाने के बाद जो यहाँ पर जो टर्न दे रखा है, ये टर्न भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा रास्ता दिखता है। तो फिर मैं आपको दिखा दूँ, ये बग्गा लाइन के आगे जो लाइन जा रही है, ये देखिए, ये बग्गा लिंक है। तो बग्गा लिंक से आपको सीधा ही जाना है, ये बाइक का शोरूम है, तो आपको सीधा जाते रहना है। तो फ्रेंड, हम चलते हैं धीरे धीरे। फ्रेंड, हमने यहाँ से टर्न ले लिया है, यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं। और आप यहाँ हमारे जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये पार्क है यहाँ का। तो आप यहाँ पर पार्क है, यहाँ पे भी आप यहाँ पर पार्क में जाके बैठ सकते हैं। यहाँ पर टेबल वगैरह लगी हुई हैं, चेयर वगैरह भी हैं, तो आप यहाँ पर पार्क में भी जाके थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड, इस पार्क का जो रास्ता, आपको बता दूं फ्रेंड, इस पार्क का जो रास्ता है वो आगे महल से थोड़ा सा आगे जाने के बाद लेफ्ट हैंड पे है, वहाँ से रास्ता है। तो काफ़ी दूर तक हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, तो उसके लिए हम आगे चल रहे हैं और आपको दिखाते जा रहे हैं। फ्रेंड, यहाँ पर सिक्योरिटी की भी देखिए, यहाँ पर पुलिस वगैरह भी रहती है। शाम के टाइम आपको यहाँ से अंदर महल की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। तो बाकी का रास्ता मैं आपको और दिखाता हूँ आगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. आप यहाँ पर फील करिए, यहाँ पर एक जंगल वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पक्षियों की आवाज, यहाँ पर बाहर के शोर शराबे से काफी अच्छा सन्नाटा है, यहाँ पर काफी अच्छा साइलेंस है। फ्रेंड, यहाँ पर आप आके एक अच्छी फील यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर, और यहाँ पर शाम होने से पहले फ्रेंड, कि आपको जब भी आना है तो आपको बता दूँ कि आप यहाँ पर सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम आइए, ताकि यहाँ पर शाम होने के बाद काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा, साइलेंस हो जाता है। और थोड़ा सा इस जगह को हॉन्टेड एक प्लेस कहा भी जाता है। तो दिन में तो ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर, मगर रात हो, मतलब शाम होने के बाद, तो काफ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है, जिससे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हमारे पास कि यहाँ थोड़ा डर सा लगने लगता है। तो आप जितना हो सके, अगर फ्रेंड, अगर आपको अभी आना हो कहीं भी, अगर यहाँ पर अगर कभी भी, तो आप दिन के वक्त या सुबह के वक्त आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप जब भी आए तो इसी टाइम आए, और शाम होने से पहले पहले आप यहाँ से रिटर्न भी हो सकते हैं।
तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। बाकी में हम आगे चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं, ये सामने हमारे जो दिख रहा है ये महल आ रहा है यहाँ पर, ये काफ़ी पुराना महल है, इसके बारे में हिस्ट्री है, ये आप गूगल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ से जो कर्व हो रहा है, रास्ता जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से महल की एंट्री आपको दिख रही है। देखिए यहाँ से लोग भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो ऐसे काफ़ी यहाँ पर लोग आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड पे जो पार्क है, तो उस पार्क का जो व्यू है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये जो व्यू यहाँ पर है ये काफ़ी अच्छा है, और ये पार्क अंदर जाने के बाद भी काफ़ी अच्छा दिखता है। और जो महल के बारे में आपको बता रहा था फ्रेंड्स, ये वो महल है, फिलहाल अभी इसको बंद कर रखा है, जब से कोविड की जो बात हुई थी फ्रेंड, कोविड के बाद से इस महल को बंद कर दिया गया है, अभी इसके अंदर कोई नहीं जा सकते। और ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि शाम होने के बाद पुलिस इसमें एंट्री नहीं करने देती, तो आपको मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में वहाँ पर आपको पुलिस बैठी हुई है। तो फ्रेंड मैं आपको और दिखाता हूँ इसके साइड से, ये देखिए काफ़ी अच्छा है, अंदर की जाने के बाद जैसे एक किला टाइप का होता है, जैसे पुराना किला टाइप का, ये उस टाइप का है। अभी तो फिलहाल ये बंद है, मगर आप यहाँ पर और चीज़ों का भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर पार्क है, आगे जो पेड़ पौधे हैं उसका यहाँ पर आप एंजॉय यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर साइलेंस बहुत अच्छा है, अच्छा हरियाली है, ग्रीनरी बहुत है, तो आप इसको यहाँ पर अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि पार्क का रास्ता किधर से है। सीधा यहाँ आपको चलना है, आपको लेफ्ट हैंड में मेरे पार्क दिख रहा होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आने के बाद दो हमारे रास्ते जा रहे हैं, एक तो हमारा राइट हैंड पे जो सीधा रास्ता जा रहा है, यहाँ पर कार खड़ी है, वो अंदर और आधे जंगल की तरफ जाता है, वहाँ जाना सेफ नहीं है, आप यहीं तक आएँ। और दूसरा हमारा लेफ्ट हैंड पे जो है ये पार्क की एंट्री है। तो फ्रेंड यहाँ आप अंदर जाके ये देखिए, ये पार्क बना हुआ है, काफ़ी अच्छा पार्क है, बहुत ही अच्छा पार्क है, आप यहाँ आके अच्छा एक यहाँ पर एंजॉयमेंट आप कर सकते हैं, आप अकेले आ सकते हैं, फ्रेंड के साथ आ सकते हैं, तो अच्छी एक एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे यही बोलूँगा बारह फ्रेंड्स कि यहाँ आप सुबह या दोपहर के वक्त ही आइए, ताकि शाम होने के बाद ये एरिया थोड़ा सा सेफ नहीं रहता, थोड़ा सा यहाँ मतलब अंधेरा वगैरह जल्दी हो जाता है लाइटिंग कम की वजह से। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि शाम होने से पहले पहले आप यहाँ से निकल जाए, और हो सके तो फ्रेंड यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही आए तो ज़्यादा बेटर है। मतलब ऐसे तो कोई दोपहर में कोई दिक्कत वाली कोई ऐसी बात तो नहीं है, मगर फिर भी अब अकेले हैं तो एक अलग अकेले से मतलब कि एक अकेला बंदा रहता है तो मतलब थोड़ा डर सा लगता है, मगर आप जो आएँ यहाँ पर आप फ्रेंड के साथ आएँ या किसी के साथ आएँ, दो बंदे रहें तीन बंदे रहें, तो ज़्यादा सेफ़ है। मतलब दोपहर को सुबह को ये ज़्यादा सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ मैं भी यहाँ काफ़ी आता जाता रहता हूँ, तो आपको मैं इस साइड से दिखाता हूँ, यहाँ पर अंदर जाके दिखाता हूँ, थोड़ा सा अंदर एंट्री करके। ये हमारे लेफ्ट साइड का रास्ता है फ्रेंड्स, मैं आपको आगे और दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये हमारा राइट साइड से रास्ता जा रहा है। तो ये पूरा ये जो इधर से रास्ता जा रहा है, तो आप इसको पूरा सर्कल ये पूरा अच्छा खासा बहुत बड़ा है, बहुत बड़े में फैला हुआ है, आप इसको अच्छा खासा देख सकते हैं, आप यहाँ से इधर से इसको घूम के आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये पार्क। मैं दिखा दूँ आपको फ्रेंड्स, हाँ ये देखिए। और जो इस रास्ते के बारे में फ्रेंड्स मैंने जो आपको बताया है कि यहाँ पर जो कार वाली की तरफ जो रास्ता जा रहा है, ये अंदर जाके और ज़्यादा घना हो जाता है, ये अंदर जाके और ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे जंगल टाइप का हो जाता है, तो अंदर इसके यहाँ तो वैसे खैर जाना मना है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर अंदर ना जाएँ, ये ज़्यादा सेफ नहीं है, आप यहीं तक आएँ, पार्क तक आएँ, और पार्क तक वापस हो के अपना यहाँ पर एंजॉय करके आप वापस जा सकते हैं। देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, मगर वो तो तीन बंदे हैं, अकेले नहीं है, मगर मैं यही आपको कहूँगा कि आप ना जाएं आगे तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए हम आपको बैग ले चलते हैं फ्रेंड दोबारा महल की तरफ। हम वापस जा रहे हैं फ्रेंड महल की तरफ, वापस जा रहे हैं, आपको महल दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको आगे इसका रास्ता दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पर पहुँचना कैसे है, आना कैसे है, काफ़ी ईजी है यहाँ पर आना। तो मैं आपको वापस ले जा रहा हूँ महल की तरफ, मैं आपको फिर वापस महल दिखाऊंगा, उसके बाद फिर
फ्रेंड मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपको आना कैसे है, ये दिल्ली में है करोल बाग के पास। तो आप बाय मेट्रो अगर आ रहे हैं तो आपको झंडे वाला मेट्रो स्टेशन पर आप उतर सकते हैं, वहाँ से आप बाय वॉकिंग मतलब पैदल 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे आप अगर किसी अपने बाइक से स्कूटी से या कार से आ रहे हैं तो आप करोल बाग हनुमान मंदिर के पास आइए, बैग बिल्कुल जस्ट ये हनुमान मंदिर के पीछे पड़ता है, बग्गा लिंग बाइक का शोरूम है उसी के लाइन में ये पड़ता है। तो फ्रेंड ये आ गया हमारा महल, ये देखिए फ्रेंड ये महल है। पहले तो मैं कोविड से पहले इसके अंदर गया हुआ हूँ फ्रेंड्स, मगर कोविड के बाद इसको बंद कर दिया गया है अभी फिलहाल, और शाम के टाइम तो उसके अंदर बिल्कुल भी एंट्री नहीं होने देते हैं। तो आप कभी अगर सुबह आते हैं दोपहर को आते हैं तो शायद आपको इसके अंदर एंट्री देखने को मिल जाए। एंट्री करने के बाद मैं फ्रेंड बता दूंगा अंदर एक किले टाइप का है, आप जा सकते हैं, अच्छा लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप जैसे यहाँ पर दिल्ली में गए होंगे रेड फोर्ट वगैरह या हुमायूं का मकबरा वगैरह, तो उस टाइप का ये है, तो आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ से आप वापस चलते हैं, आप ये फ्रेंड हम आपको बाहर मिलते हैं। थोड़ा सा रास्ता फ्रेंड हमने स्किप कर दिया है, थोड़ा सा रास्ता आपको और दिया था जहाँ ये पुलिस की वैन जो खड़ी थी, हम यहाँ पर आ गए हैं। फ्रेंड एक चीज़ आपको और बता दूँ, यहाँ पर जो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर एक पानी का यहाँ पर ये डैम बना रखा है, काफ़ी अभी तो फिलहाल ये सूखा हुआ है, इसमें कोई पानी नहीं है, मगर आने वाले टाइम पर जैसे बारिश के मौसम वगैरह में आप देखेंगे तो ये काफ़ी भर जाता है, मगर ये गवर्नमेंट है किसी पानी को रोक के यहाँ पर पानी की सप्लाई के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड अभी तो आप यहाँ पर तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आप यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते, मगर मैंने आपको बताया है कि अगर कभी आप इस टाइम पर आते हैं बारिश के टाइम पे तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये भी अच्छा काफ़ी खूबसूरत दिखता है, इसका व्यू बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं आपको बाहर ले चलता हूँ, वापसी फ्रेंड बाहर ले जाता हूँ। फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस हमारे चैनल पर इस नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस तक कीजिए ताकि आप घर बैठ कर अपने मोबाइल में इस ऐसी जगह का एंजॉय कर सकें, ऐसी जगह को साउंड वगैरह आ रहे हैं जो बर्ड्स के पक्षियों के ये साउंड आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, साइलेंस है काफ़ी यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको बैग लेके चलता हूँ दोबारा लेके। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. गर्मियों में ज़्यादा लेट तक रुक सकते हैं क्योंकि उस टाइम सनसेट काफ़ी लेट तक रहता है, मगर सर्दियों में सनसेट मतलब कि सूरज जल्दी डूब जाता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सर्दियों में अगर आ रहे हैं तो इसको इसमें सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम आइए। बाकी मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, वापस हम जा रहे रिटर्न। ये देखिए फ्रेंड्स व्यू काफ़ी अच्छा है, ऊपर ग्रीनरी है, पेड़ पौधे काफ़ी होंगे। ये देखिए बग्गा लिंग के पास हम वापस आ चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ बग्गा लिंग से बग्गा लिंग का जो मैंने आपको दिखाया था कि इस वाले रास्ते को अंदर पड़ता है। तो बैक साइड हम जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं फ्रेंड्स, हाँ नीचे जा रहे हैं हम, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा यहाँ आना कैसे है। ये देखिए आपको हनुमान मंदिर जी का, ये देखिए हनुमान जी का बैक साइड पे दिख रहा है आपको, मूर्ति दिख रही है, इसे इसी की बैक साइड मैं खड़ा हूँ, बैक साइड से ले रहा हूँ व्यू, ये बैक साइड से आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ बैक साइड आना है हनुमान मंदिर के बैक साइड। तो आपको आने के लिए यहाँ पर मैंने बताया था फ्रेंड मेट्रो, अगर आप बाय मेट्रो आ रहे हैं तो आपको झंडे वाला पर उतरना है, बाय वॉकिंग आप 5 से 10 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। और आप अगर किसी ने बाइक से स्कूटी से या कार से आ रहे हैं तो आपको यहाँ का जो धौलागुआ वाला रास्ता जा रहे हैं, जो हनुमान मंदिर पड़ता है फ्रेंड, आपको हनुमान मंदिर के पास आना है, किसी से पूछ के भी या कैसे भी आप मैप पे लगा सकते हैं, हनुमान मंदिर के जस्ट पीछे ये है बगलिंग वाली लाइन पर, तो आप यहाँ से इजीली आ सकते हैं और इजीली अंदर यहाँ पर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपकी तरह काफ़ी लोग इस वीडियो को और एंजॉय कर सकें, फील ले सकें। तो फ्रेंड मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए मेट्रो वाली लाइन, ये मेट्रो हमारी जा रही है, वहाँ पर आपको मैंने दिखाया था हनुमान जी की मूर्ति। और फ्रेंड इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ही आपके लिए मैं आगे लेके आने वाला हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, ये जो आप सामने देख रहे हैं ग्रिल वगैरह, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा जहाँ पर गोल चक्कर बना हुआ सर्कल बना हुआ है, और आप सामने देख रहे होंगे मेट्रो की लाइन जो आपकी दिखाई दे रही है, ये मेट्रो है, अभी यहाँ से मेट्रो आएगी तो आपको दिखेगी फ्रेंड। ये देखिए पूरा ये रास्ता हमारे जो लेफ्ट हैंड पे जा रहा है, ये गाड़ियाँ जो आ रही है ये पूरे धौलागुआ को ये रास्ता जाता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।